दुनिया का शायद ही कोई साइंस फिक्शन लवर होगा जिसने अवतार मूवी अब तक ना देखी हो, और अगर आपने इस स्पेक्टेकुलर विजुअल मास्टरपीस को देखा है तो आप भी मेरी ही तरह इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे होंगे जो अब 16 दिसंबर 2022 को रिलीज की जाएगी, यानी पहली मूवी के ठीक 13 साल बाद। इसीलिए ये सीधा सवाल उठता है कि जिस साइंस फिक्शन मूवी ने अपनी यूनिक कॉन्सेप्ट और अकेले दम पर बिना किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के दुनिया भर में 2.78 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया, क्या इसकी सीक्वल भी उतनी ही फैंटास्टिक होगी, या क्या वो अपनी पहली मूवी की सेट की हुई बेंचमार्क को और ऊपर ले जा पाएगी। इन शॉर्ट, क्या अवतार अब भी रेलेवेंट होगी या सबके सामने एक फेलियर साबित होगी। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं तो मैं आपके लिए ऐसे 5 पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो आपको इन सवालों को भुलाकर अवतार 2 के लिए आपको पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड कर देंगे। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अवतार 2 में अवतार के बेहतरीन विजुअल्स, इसके वर्ल्ड और इसके सोफिस्टिकेटेड क्रिएचर्स को देखने के साथ साथ हम में से बहुत सारे लोग इसकी नई कहानी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, जहां पर 2009 की अवतार के एंडिंग में जेक सली ने अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी नावी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जेक सली का आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। और जेम्स कैमरन ने भी लोगों की इस बेचैनी का पूरा फायदा उठाया है, जहां पर जेम्स कैमरन ने जॉश फ्राइडमैन, रिक जाफा, अमेंडा सिल्वर और शेन सार्लेनो जैसे 4 स्क्रीन राइटर्स के साथ मिलकर अवतार 5 तक की कहानी 2017 तक कंप्लीट कर ली है, जहां पर ये कहानी बेसिकली पहली मूवी के 13 साल के बाद की होने वाली है, जहां पर जेक और नटेरी के 3 बच्चे भी होंगे, जहां पर उसके 2 बेटे नेटेयाम और लोवाक हैं, वहीं पर उसकी एक बेटी टुक टीरे भी है जो सबसे छोटी होने वाली है। और तो और जेक ओमेंटकाया क्लैन पर मोएट के साथ मिलकर राज करेगा। सीक्वल्स के अंदर ह्यूमंस बेसिकली फिर से वापसी करेंगे, जहां पर वो और भी मजबूत और ताकतवर होंगे, जिसके कारण जेक पेंडोरा के दूसरे क्लैंस की भी मदद लेगा, और स्पेशली अवतार 2 के अंदर जेक मेटकीना क्लैन की मदद लेगा जो बेसिकली पेंडोरा की फ्री डाइवर क्लैन है जिनकी महारत पानी के अंदर है। जेम्स कैमरन के हिसाब से अगर आपको पहली अवतार मूवी पसंद आई थी तो आपको इसकी सीक्वल्स और भी ज्यादा पसंद आएंगी, और उनके हिसाब से इसकी आगे की कहानी एक जनरेशनल फैमिली सागा होने वाली है, जहां पर उन्होंने इन कहानियों को गॉडफादर जैसी कहानी से भी कंपेयर किया है और बेसिकली समझाया है कि आगे जाकर नटेरी और जेक की लेगेसी को उसके बच्चे संभालेंगे। इन मूवीज की कहानियां एक बड़े कहानी के आर्क को लेकर तो आगे बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ ये मूवीज एक दूसरे से सेल्फ कंटेंड होंगी, जिसके कारण हर मूवी अपने अंत तक अपनी कहानी को कंक्लूड कर ही लेगी, जिनमें दूसरी मूवी के लिए कोई भी क्लिफ हैंगर नहीं होगा, जिसके कारण बाकी मूवीज आने तक आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज अच्छी होने वाली है या बुरी। पहली सीक्वल मूवी के अंदर हमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लगभग सारे के सारे ओरिजिनल कोर कैरेक्टर्स के साथ साथ। अब मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूँ वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। वैसे हमें नए इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से क्लिफ कर्टिस का कैरेक्टर तोनोवरी दिखेगा, जो बेसिकली मेटकेनिया क्लैन का राजा होगा। वहीं पर इनके साथ साथ केट विंस्लेट भी मेटकेनिया क्लैन की एक ड्राइवर होंगी, पर उनका रोल पहली सीक्वल के अंदर बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, पर फिर भी ये कैरेक्टर बाकी के सीक्वल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वहीं पर मूवी के अंदर जिमी फ्लैटर्स नेटियाम यानी जेक और नटेरी के सबसे बड़े बेटे का रोल प्ले करेंगे। वहीं पर ब्रिटन डेल्टन लोवाक का रोल प्ले करेंगे जो उनका दूसरा बेटा होगा, और टुक टीरे जिसे टुक भी बुलाया जाएगा वो जेक और नटेरी की 8 साल की बेटी होगी जो सबसे छोटी होगी, जिसका रोल ट्रिनिटी ब्लिस प्ले करेंगी। वहीं पर इम्पोर्टेंट ह्यूमन कैरेक्टर्स में हमें जैक चैंपियन देखने को मिलेंगे जो हावियर स्कोरो का रोल प्ले करेंगे, जिसे इस मूवी के अंदर स्पाइडर भी बुलाया जाएगा, और इस कैरेक्टर का जन्म पेंडोरा की ह्यूमन बेस पर हुआ है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर करीना मू के रूप में हमें चाइनीज एक्ट्रेस मिशेल यो देखने को मिलेंगी, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इसके सारे ओरिजिनल कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं। यहाँ पर पहली मूवी के मरे हुए कैरेक्टर्स जैसे कि डॉक्टर ग्रेस अगस्टीन और कर्लन माइल्स भी अपनी वापसी करेंगी, जहाँ पर सिगनी वीवर और स्टीफन लैंग दोनों अपने रोल में वापस आएंगी। और ये कैसे होगा इस चीज के बारे में जेम्स कैमरन ने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है। सिगनी वीवर के हिसाब से उनकी कैरेक्टर मूवी के अंदर अपने पहले कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा अलग होगी, और डॉक्टर ग्रेस अगस्टीन का एक दूसरा ही वर्जन होगी जिसका कैरेक्टर आगे की आने वाली 4 सीक्वल्स के अंदर दिख सकता है। वहीं पर हमें स्टीफन लैंग का कर्नल माइल्स भी दिखेगा जो पहले से और भी ज्यादा मजबूत होगा, और तो और स्टीफन लैंग ने अपने कैरेक्टर के लिए मोशन कैप्चर भी किया है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर कर्नल माइल्स का भी एक अवतार देखने को मिल ही जाए। लेकिन बावजूद इनके वापसी की मिशेल रोड्रिगेस की कैरेक्टर ट्रूडी हमें वापस देखने को नहीं मिलेगी।
वहीं पर दूसरी ओर ऊना चैप्टन की कैरेक्टर वरैंग इस पूरे के पूरे सागा का वाइब्रेंट सेंट्रल कैरेक्टर होगी। और तो और हमें इस मूवी के अंदर विन डीजल भी एक अननोन रोल में दिख सकते हैं। कहानी के अलावा टेक्नोलॉजी भी एक कारण है कि क्यों ये मूवी इतने समय बाद आ रही है, और इस देरी का पछतावा जेम्स कैमरन को बिल्कुल भी नहीं है। उनके हिसाब से उन्हें जितना भी समय मिला उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस कहानी को बेहतरीन बनाने के लिए ही लगाया है, जिसके कारण इसके आने वाली कहानियों को दुरुस्त तो किया ही गया, साथ ही साथ स्पेसिफिकली इस मूवी के लिए कुछ नए इन्वेंशन का भी इस्तेमाल हुआ है। यही कारण है कि दुनिया में पहली बार अवतार 2 के अंदर हमें पानी के अंदर मोशन कैप्चर देखने को मिलेगा। एक्चुअली इससे पहले पानी के अंदर मोशन कैप्चर करना इतना मुश्किल इसलिए था क्योंकि मोशन कैप्चर के लिए नॉर्मली ऑप्टिकल बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर ट्रैकर से किसी भी कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट के मोशन को मार्क किया जाता है। अब यही चीज जब पानी के अंदर होती है तो पानी लाइट को बेंड करता है, और पानी के अंदर थोड़ी भी हलचल होने के कारण कैमराज इन ट्रैकर्स को ठीक से ट्रैक नहीं कर पाते और इन्हें गलत फीड पहुंचने लगता है, और अल्टीमेटली मोशन कैप्चर में दिक्कत आती है। और अवतार 2 के अंदर इसी प्रॉब्लम को नई टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व किया गया है। लेकिन इस अंडर वाटर मोशन कैप्चर को करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन सीन्स को करने के लिए एडल्ट एक्टर्स को 7 मिनट तक अपने सांस को रोकने की ट्रेनिंग लेनी पड़ी है, वहीं पर चाइल्ड एक्टर्स ने 2 से 4 मिनट तक की ट्रेनिंग ली है। बाय द वे, रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से केट विंसलेट हमें पानी के अंदर ज्यादा दिखने वाली हैं, और पानी के अंदर वो हमें मेटकायन नावी सेरेमनी करते हुए भी दिखेंगी। इनके अलावा इन मूवीज में वर्चुअल प्रोडक्शन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण पोस्ट प्रोडक्शन की कई सारी चीजों का ख्याल रियल टाइम में ही कर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जेम्स कैमरन इस मूवी को हायर फ्रेम रेट्स पर भी रिकॉर्ड करना चाहते थे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अवतार 5 तक की कहानी को 2017 में ही कंप्लीट कर लिया गया है, यही कारण है कि अगर दूसरी मूवी सक्सेसफुल हुई तो इसकी सीक्वल आने में कोई भी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और तो और इन मूवीज का कलेक्टिव अल्टीमेट बजट भी पहले ही सेट कर लिया गया है, जहां पर इन पर $1 बिलियन का खर्चा आने का अनुमान लगाया जा रहा है, और पर मूवी इन पर 250 मिलियन का खर्चा हो सकता है। जहां पर अवतार 2 और 3 की फिल्मिंग एक साथ हुई है, जिसमें सबसे पहले परफॉर्मेंस और मोशन कैप्चर को 2017 से लेकर 2018 तक कंप्लीट कर लिया गया है, जहां पर ज्यादातर इसकी फिल्मिंग अमेरिका के कैलिफोर्निया के मैनहट्टन बीच पर की गई है, जहां पर बड़े बड़े वाटर टैंक्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर इसकी लाइव एक्शन फिल्मिंग फरवरी 2019 से न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी, जहां पर इस साल 17 मार्च को फिल्मिंग को कोविड के चलते बीच में पॉज कर दिया गया था, जिसे इस साल फिर से सितंबर में रिज्यूम कर दिया गया है, जिसके कारण कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि अवतार 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अपने पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में चल रहा है। वहीं पर अवतार 3 लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है। वहीं पर अगर बात की जाए अवतार 4 और 5 की, तो जेम्स कैमरन ने इस बात को डिक्लेयर किया है कि अगर अवतार 2 और 3 सक्सेसफुल हुई तभी वो 4 और 5 पे काम करेंगे। अवतार 2 मूवीज के सीक्वल के लिए एक्साइटेड होने का एक कारण जेम्स कैमरन खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी फिल्म मेकिंग का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाए तो अब तक उन्होंने 11 मूवीज बनाई हैं, जिनमें से उनकी 7 मूवीज हॉलीवुड क्लासिक्स हैं और 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं। और अगर एलियंस 2 और टर्मिनेटर 2 का एग्जांपल लिया ही जाए तो ये मूवीज अपनी प्रीक्वल से भी कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी, और इसका एक ही रीजन है कि जेम्स कैमरन हमेशा खुद को इम्प्रूव और चैलेंज करते रहते हैं। यही कारण है कि मैं एलियंस मूवी में ज़ेनोमॉर्फ क्वीन देखने को मिली, और टर्मिनेटर 2 में T-1000, और अब अवतार 2 में वाटर मोशन कैप्चर। उनकी डेडिकेशन, परफेक्शन और अपनी कहानी को लेकर पैशन ही इसकी गारंटी हो सकती है कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हीरो मूवीज के डोमिनेशन के बावजूद भी उनकी साइंस फिक्शन मूवी फिर से कमाल कर सकती है। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, और ऐसा कुछ अलग जो सबको पसंद आए। इसीलिए अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से अब अवतार 2 और 3 की रिलीज डेट्स 22 दिसंबर 2022 और 20 दिसंबर 2024 कर दी गई है। अब बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इन डेट्स पर ये मूवीज रिलीज हो ही जाएं। बाय द वे, अगर आपको अवतार 2 के बारे में कोई और डिटेल मालूम है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी आने वाली ऐसे ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और तो और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।